हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें क्या याद रखना है, द डेंसिटी ऑफ 3M एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 इज 1.58 ग्राम पर ml। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ Na2H2O3 इन परसेंटेज W/W एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले अपने को क्या याद रखा है, यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है भाई सॉल्यूशन की। तो डेंसिटी सॉल्यूशन की कितनी दी हुई है, 1.58 ग्राम पर ml। पार्ट्स में करेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एंड मोलैरिटी क्या गिवन है बच्चों इसमें, तो मोलैरिटी आपको गिवन है भाई 3 मोलर, है ना। क्या गिवन है, 3 मोलर। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 मोल पर लीटर। तो कितना है बच्चों, Na2H2O3 की अमाउंट दे रखी है आपको क्या, 3 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे Na2O2O3 के अगर हम आपसे पूछें मोल्स ऑफ Na2H2O3 तो कितने हैं बच्चों, 3 मोल हो गए। ठीक है भाई, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का अगर हम बात करेंगे तो वो आपके पास क्या है बच्चों, 1 लीटर है। क्या है, 1 लीटर। ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन क्या हो गया, 1 लीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम उसको किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास वाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास वाई वॉल्यूम कैसे क्या करेंगे बच्चों, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो भाई, डेंसिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम कर दो। तो डेंसिटी हमारे पास कितना है बच्चों, 1.58 है। वॉल्यूम आपके पास क्या है, 1000 है। क्या है बच्चों, 1000, है ना, ml में रख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे इसको, तो ये आ गया आपके पास 1580 ग्राम आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा 1580 ग्राम। ये चीज आपको क्लियर हो गई। परसेंटेज W/W के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, तो परसेंटेज W/W के लिए हमें करना होता है मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास मोल्स ऑफ Na2H2O3 दे रखे हैं, तो Na2H2O3 आपका क्या है बच्चों, सॉल्यूट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मोलर मास निकालो सोडियम का, तो 2 मल्टीप्लाई में 23 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 32 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 16। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 46 प्लस में 64 प्लस में 48, तो कितना आ जाएगा, 158 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 158। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 158 मल्टीप्लाई में 3। अब मास ऑफ सॉल्यूशन तो वो है हमारा 1580। ठीक है बच्चों, क्या है, 1580। अब क्या करोगे, हजार सॉरी परसेंट ही निकालने, तो 100 कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो 10, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 300/10 आ गया, तो बच्चों ये आ गया 30%। तो परसेंटेज W/W तो आपके पास आ जाएगी 30%। ठीक है, तो 15% वाला काट दो एंड 45% वाला काट दो, तो 2 और 3 ऑप्शन बचते हैं बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे 1580 ग्राम ये तक क्या था, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्या है, एक्वस सॉल्यूशन बोला था बच्चों, तो मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ वाटर निकालेंगे। अब सॉल्वेंट का मास निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, तो सॉल्यूशन का मास में से क्या मास कर दो बच्चों, माइनस, तो इसमें माइनस कर दो 474, जो कि आपका क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट था Na2H2O3 का। तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये 6, ये हमारे पास 0 एंड यहाँ पे बस 1106 आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमारे पास आ गया, अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे सॉल्वेंट के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ वाटर तो 1106, ठीक है, और अपॉन में मोलर मास ऑफ वाटर तो 18, तो कितना आ गया, 61.44 इस तरीके से मोल्स आ गए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3 कैसे निकलेगा बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2H2O3 तो 3 दे रखे हैं, तो अपॉन में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 3/61.44 टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो भी किसके, सॉल्यूशन के। तो उसमें एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 3/64.44, ये आता है अराउंड 0.046 के, इसके 0.046 के, तो यहाँ पे 0.06 बन दे रखा है, वो गलत है बच्चों। तो 30% 0.046 ये बिल्कुल सही है। सो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।